Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So this is Atruba Syed. So today I am here. It's okay. तो जी आज हम आए हैं हलीम पार्टी में कजन्स के साथ. आज हमने हलीम रखा था और सब यहाँ पे नाकाम कोशिशें कर रहे हैं व्लॉगिंग करने. तो आज हमारी कजन्स की है हलीम. आपको आने की जरूरत क्या थी? ऐसी क्या मजबूरी थी आपके आने की? मजबूरी ये थी कि मुझे मिलना था सबसे. लगाओ सबको, निकालो वो चश्मा. अग़फ़रुल्लाह. ये हमारी प्यारी सी भाभी है माशाल्लाह. और एक ये ब्लॉगर है, ये भी अपनी नकाब कोशिश कर रही है ब्लॉगिंग करने की जैसे कि हम कर रहे हैं. और यहाँ पे बहुत अच्छी गैदरिंग हो रही है. चले जी मैं आपको दिखाती हूँ हलीम. हलीम 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 मेरे स्लीपर्स का है. मैं पहले स्लीपर्स. ये बाहर हो रहा है हलीम. बाहर सारे मर्दों का इंतजाम है. और यहाँ पे देखिए मेरे भाई, मेरे हस्बैंड और एक जो है कज़न है ज़ुबैर भाई. तो ये जो है हलीम गोटा लगा रहे हैं. और यहाँ पे सारे कज़न्स बैठे हुए हैं एज़ यू कैन सी. और यहाँ पे सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं. इस टाइम रात के 2:30 बज रहे हैं. और लुक एट दैट, यहाँ पे हलीम पक रहा है. ये हमारे पैसे दे दिए हमने. हैं पैसे दे दिए हमने? मेरे ये बताएं. मैंने ज़ुबैर भाई से कहा था मेरे पैसे दे दें. और ये जो है मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे भाई हैं जो कि गोटा लगा रहे हैं. गोटा. ओके, तो देखिए हलीम की तैयार हो रही हैं. यहाँ पे चाय पक रही है. बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा मज़ा आ रहा है. यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं. चलें जी अंदर चलते हैं. गर्ल्स पार्टी में हैं. कुछ के साथ इशू है, किसी को हम दिखा सकते हैं अपना जो है गर्ल्स के फेस, और किसी को नहीं दिखा सकते. किसी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी की तरफ से नहीं हैं. जिनके दिखा सकते हैं उनके दिखा रहे हैं. और ये हमारी बैठी और बेचारी के एंड टाइम पे इंग्लिश का जो बहुत मुश्किलों से सीखी थी. ओके, और बेसिकली ये है मेरे चचा का घर. ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पर ये चचा का घर है. और यहाँ पे मेरी पप्पी वगैरह सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं. रात के 2:30 बज रहे हैं. बच्ची को बहुत मुश्किलों से सुलाया है. मैं आपको देखिए यहाँ पे सारे बच्चे सो रहे हैं बेचारे. आयमा ने इतना तंग किया. आयमा के लिए झूला मंगवाया अपने भाई के घर से. तो फिर माँ से ये झूले में सोई क्योंकि उसको झूले में सोने की आदत है. और ये बाकर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग में? कुछ अपना पैगाम देना चाहते हैं? कोई लड़की ना मिल रही हो किसी को? लड़कियाँ हो तो उनसे बोलना हाय हेलो. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. ये लोग यहाँ पे बिरयानी फोड़ रहे हैं. अत्रुबा तुम्हारी माँ के बराबर हूँ मैं. अत्रुबा आप ही बोल रहे हैं. ओके ओके, अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या साया का ड्रेस पहना है. ये है मेरे भाई सैयद नुमान अली और ये मेरे चचा हैं. और जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगी. प्लीज़ इनको भी फॉलो करिएगा यूट्यूब पे. तो जो है ना आप कुछ बता कहना चाहेंगे कज़न गैदरिंग में? हाँ खैर आप सब क्या सैयद अत्रुबा अली नहीं सैयद अत्रुबा नवीद. अत्रुबा नवीद को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरा स्पेलिंग है SYEDNUMANALY. सैयद नवान अली को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय करें. पार्टी चल रही है, सबने रोल्स मंगवाए, किसी ने जिंगर मंगवाए क्योंकि हलीम बनने में टाइम था ऑब्वियसली. और जिन्होंने ये हमारा जो है गैदरिंग अरेंज की, पूरा ऑर्गेनाइज किया, उनके जो है वो हैं ये ज़िया भाई जो अभी भी हिसाब लेके बैठे हुए हैं. हिसाब हो रहा है सबसे. सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया था. और बड़े खूबसूरत जगह है. बाय बाय. और यहाँ पे जो है इनका बहुत बड़ा सेंट था हमारे चचा का, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें. आई नीड सपोर्ट करें सपोर्ट. चुटकी क्यों नोचिए. और ये जो है हमारे कज़न है हाफिज़ कुरान दानियल अली. दानियल अली कुछ कहना चाहेंगे भाई? गजब बेइज्जती है. यहाँ पे इनकी अपनी व्लॉगिंग चल रही है भाई की. इनका भी व्लॉग ज़रूर देखिएगा जाके. और इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. रात के बज रहे हैं अब 3:30. और व्हाट अ वंडरफुल गैदरिंग. माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी है. भाजी भतीजी में तो कंफ्यूज हो जाती है. और इसके पाँव लग गए जब से, तो ये रुकी नहीं रही है. सब इसको संभाल संभाल के परेशान हो चुके हैं. यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं. गाड़ी के पास कोई भी नहीं जाएगा, सही स्क्रैचेस आ जाएंगे. ओके ओके.
सलाम हुसैनी हो। नहीं यार वो आग है ना, नहीं आग। अरे नूरी भाई वो क्या है, स्लो करें, लाइट मारे। हे मैं देखता हूँ आगे। कौन हो नूरी भाई, वहाँ है और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। राइट गाइस, तो यहाँ पे बज गए थे, सुबह हो गई थी और हलीम जो है नाश्ते में करना था, लेट आ रही हो गई थी बस। तो जो है अब हमने कहा घर का रास्ता पकड़ते, हमें हलीम से ज़्यादा थी गैदरिंग की ज़रूरत। गैदरिंग से हमारा माइंड फ्रेश बहुत अच्छा हो गया था और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह हो चुकी है और हलीम तो नहीं खाया हलीम पार्टी में, लेकिन हमने जो रोल वगैरह जिंगर वगैरह मंगवा के खाए थे उसी से हमारा मज़ा आ गया। लेकिन गैदरिंग हो गई वही ज़बरदस्त, क्योंकि क्या बोल रही हूँ मैं, नशे में समझ नहीं आ रहा है, तो नींद सारी रात जागे हुए आया भी उड़ गई है। अल्लाह का शुक्र है आज आग मैंने तंग नहीं किया, इन्जॉय करने दिया मुझे। तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और हो सकता है नाश्ता कर ले, बल्कि नाश्ता करके जाएंगे ताकि मुझे घर पे दोबारा घर जाके नाश्ता बनाने की ज़रूरत ना पड़े। जी पहले तो हम गए थे दमतल, वहाँ पे इतना रश था दमतल पे, तो फिर हमें वहाँ से स्विच करना पड़ा, क्योंकि जो है सुबह का टाइम कितना अच्छा हो रहा है ना। हम लोग आ गए कंडे पड़ने के होटल पर, लुक एट दैट, इधर हम अंडा पराठा का हमने टेबल लगवा लिया, फिलहाल यहीं से नाश्ता करेंगे अंडा पराठे का। ओके जी, हमें हमारा हलीम पार्सल रिसीव हो गया है, तो अब हम खा के बताएंगे कि कैसा रहा ये। तो ये थी हमारा आज का व्लॉग, होप सो आप लोगों को पसंद है, और अगर पसंद आया लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।